तो बीवी उसका जवाब देती है, और खुद का अरमान है बेगम के अरमान, उधर से जवाब देती है कि जी लिखा है जब से खत प्यारे कि छुट्टी आ रहे हो तुम, मेरे ख्वाबों में सुबह शाम चले आ रहे हो तुम, जब आओगे मेरे लिए वो दिन ईद का होगा, अजब मंजर मेरे दिलबर तुम्हारी दीद का होगा, बहुत वजनी से दो बैर प्यारे हाथ में होंगे, अटैची केस 10-12 यकीनन साथ में होंगे, टीवी तो डब्बे से ही मैं पहचान जाऊंगी, और VCD लाओ तो मैं तुम्हें मान जाऊंगी, मैं एयरपोर्ट आऊंगी अपना सरताज को लेने, मारुति वैन लाऊंगी सामान को लेने, तुम्हारी ठाट देखूंगी तो दिल ये मुस्कुराएगा, और खुलेगा बक्स जब घर में तो दिल ये गुनगुनाएगा, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, और जापानी चीजें मेरे लिए क्या खूब लाया है, कहती है मुझे कुछ नहीं लेना मगर दुनिया भी रखनी है, पोजीशन तो झूठी आखिर इस दुनिया में रखनी है, मुझे कुछ चाहिए कपड़ा कपड़े नए बनाने को, 40 गज केटी पकड़ देने दिलाने को, 2 दर्जन जांघिए बनियान वो रुमाल काफी है, दुपट्टों के इस मरतबा 2 थान काफी है, वो डब साबुन के बस 10 पीस ले आना, गर्म कोटों के कपड़ों के फकत 6 पीस ले आना, शैम्पू और सेंट अपनी पसंद का लाना, मेरे भैया की राडो वाच अब के भूल ना जाना, मेरे भैया की राडो वाच अब के भूल ना जाना, ये नन्नी नादिया अबू को हरदम याद करती है, मंगा दो बोलती गुड़िया यही फरियाद करती है, ये क्या लिखा था एग्रीमेंट अब के आखिरी होगा, तुम्हारा साल सऊदी में अब के आखिरी होगा, खुदा के वास्ते अभी ऐसा ना सोचो, करोगे क्या यहाँ आकर मेरे सनम सोचो, अभी तो दिल्ली में हमें नया बंगला बनाना है, अजीजों को इमारत का नया जलवा दिखाना है, अम्मी के गली के नुक्कड़ वाला प्लाट भी लिखवाना है, सोने का एक भारी सा हार भी बनवाना है, जुदा रह लेंगे कुछ दिन और झूठी आन की खातिर, और वहाँ के गैर मुल्की कीमती सामान की खातिर, हमारे भैया से हरदम मेरा तकरार रहता है, बहनों से तुम्हारी दिल मेरा बेजार रहता है, मैंने किस किस जतन से तुम्हारे घर को संभाल रखा है, पहले अब्बा ने नाक में दम कर रखा था, अब अम्मी ने जीना हराम, मेरे दिल पर मेरी बातों पर थोड़ा गौर कर लेना, तुम 2 साल का एग्रीमेंट एक और कर लेना, बसाया है सदा मैंने तुम्हें अपने ख्यालों में, और दुआ की है कि तुम खेलते रहो हरदम ज्यालों में, मैं चाहती हूँ कि अल्लाह करे तुम्हें मोहब्बत हो जाए रियाल से, तुम मीठी मीठी बातें करा करो मोबाइल से, फकत आपकी जोजा खत पूछा पढ़ते पढ़ते सो जाते हाथ में।